नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टर करने से पहले हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और जो हमारे माल का जो रेशियो है वो किस प्रकार का होना चाहिए और प्लास्टर में क्रैक्स क्यों आती हैं और उसको तराई कितने टाइम तक करनी चाहिए। तो इन सब बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं वीडियो। वीडियो देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, जिस दीवार पे हमें प्लास्टर करना है उस दीवार को एक रोज या दो रोज पहले उसको अच्छे से तराई करेंगे और जब हम प्लास्टर करेंगे उस टाइम भी उसको एक बार तराई करेंगे और उसके बाद जो सीमेंट का जो घोल बनाते हैं हम, सीमेंट पानी बोलते हैं उसको, तो उसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है, या डब्बा है तो उससे भी हिला सकते हैं या फिर किसी लकड़ी से भी इसको हिला सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सीमेंट है वो तो बाल्टी में नीचे जम जाए और पानी है उसको हम दीवार पे लगा दें। तो इस तरीके से वो सीमेंट का घोल जो है वो बराबर नहीं लगेगा और अगर कहीं पे भी सीमेंट में थोड़ी बहुत जगह रह जाएगी तो उससे होगा क्या कि जहाँ पे सीमेंट पानी बराबर नहीं लगा है उस जगह से प्लास्टर जगह छोड़ देगा और वो कुछ ही दिनों बाद नीचे गिर जाएगा। तो इस तरीके का हमें करना नहीं है, सीमेंट पानी जो है वो बिल्कुल दीवार के ऊपर बराबर मारना है, जहाँ पे भी जगह रह गई वहाँ पे दोबारा से उस पर ध्यान रख के और सीमेंट पानी को बिल्कुल बराबर मारना है। और प्लास्टर करते समय हमें ये बिल्कुल बात को ध्यान में रखना है कि रेशियो जो माल का अनुपात है वो 5:1 का ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो वो माल बिल्कुल हल्का हो जाएगा और गिरने लग जाएगा। तो इस तरीके की हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जैसे हमारे पास बजरी है तो उस बजरी में भी जो मिट्टी की मात्रा है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, अगर 5% से ज़्यादा उसमें मिट्टी की मात्रा है तो वो भी प्लास्टर को क्रैक आने का एक कारण बन सकता है। और दूसरी बात ये है, जब हम ईंट की चिनाई करते हैं, दीवार को तैयार करते हैं, उस टाइम भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखना है, कहीं पे वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो फिर प्लास्टर करेंगे उस टाइम हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। जैसे मान लो कहीं पे माल आएगा अपना 15 mm, तो कहीं पे आएगा 20 mm और कहीं पे आएगा 30 mm, तो इस तरीके की चिनाई हमें करनी नहीं है। तो चिनाई करते वक्त इन सब बातों का ध्यान हमें रखना है। तो प्लास्टर का जो माल है वो एक स्टैंडर्ड साइज है उसकी, वो है 10 mm से लेके 15 mm तक हम उस माल की थिकनेस दे सकते हैं। और अगर प्लास्टर करते समय हमें साहुल अगर करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो ये आपको चौगट है, ये फेस में लगी हुई है, तो इस पे इस तरीके से फट्टी घुमाकर भी हम कर सकते हैं या फिर इस तरीके से फट्टी लगाकर साहुल में दीवार प्लास्टर को कर सकते हैं। लेकिन वो होगा जब जब अपनी दीवार बिल्कुल साहुल में होगी और डोरी में होगी। तो ये इन सब बातों का हमें पहले ही ध्यान रखना है कि कहीं प्लास्टर करते समय हमें इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार की गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। और जो हम जो लाइट के जो पॉइंट्स रखते हैं उन पॉइंटों का भी बिल्कुल हमें प्लास्टर करते वक्त ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि वो पॉइंट नीचे रह जाए और हम उसके ऊपर से प्लास्टर कर दें और फिर हमें यही पता नहीं रहे कि यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट भी था। तो इन प्रकार की गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कहीं पे माल ज़्यादा आता है, जैसे मान लो 30 mm माल आता है, तो वो अगर आपने एक ही साथ उसको छाप दिया, उसको प्लास्टर कर दिया, तो उसमें भी क्रैक्स आएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, अगर कहीं पे आता है तो उसमें हमें उस पहले रोज़ उस पर माल छाप के छोड़ना है और दूसरे रोज़ जो है उस पर, जैसे मान लो हम छोड़ देंगे, उस पर 10 mm या 15 mm के बीच में ही माल आएगा। तो इस तरीके से करना है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हम प्लास्टर बिल्कुल रेडी हो चुका है और प्लास्टर करने के बाद इस पर जो स्पंज मारते हैं उससे क्या है कि हमें पुट्टी या प्राइमर करते हैं उस टाइम उसकी
पकड़ अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, आगे लेकर आऊँगा कुछ खास जानकारी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।